नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल सी इज पेज क्लास। हमने यहाँ पे एट द रेट पेज डायरेक्टिव देखा, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू वेब पेज, तो उसके रिलेटेड पेज क्लास क्या है और वो पेज क्लास के साथ कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, मेथड्स अवेलेबल है, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। सो द टॉपिक इज पेज क्लास, राइट? ऑलराइट नाउ स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो भी हम वेब पेज क्रिएट करते हैं, राइट, वो वेब पेज के रिलेटेड बाय डिफॉल्ट सेम नेम का एक क्लास क्रिएट होता है। और हमने यही चीज लास्ट लेक्चर में पेज लाइफ साइकिल में भी देखी कि जब भी हम कोई भी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं, बाय द एंड वो पर्टिकुलर वेब पेज के रिलेटेड एक पेज क्लास जनरेट होता है और वो पेज क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद वो इंस्टेंस से हमें रिक्वेस्ट सर्व होती है। एंड वो हमने लास्ट लेक्चर में वो पूरा पेज लाइफ साइकिल भी देखा। एंड हमने वही चीज जब हमने फर्स्ट पेज क्रिएट किया था विद इन अवर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे ये इंडेक्स पेज है और उसके रिलेटेड सी यहाँ पे जो क्लास क्रिएट हुआ है दैट इज इंडेक्स क्लास, राइट? एंड वो क्लास के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बिजनेस लॉजिक रिलेटेड कोडिंग हम करेंगे कि जहां पे हम इवेंट्स लिखेंगे या फिर कोई सब रूटीन बनाना है या फिर कोई फंक्शंस डिफाइन करने हैं, सो वो सारी चीज हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट? इन शॉर्ट, जब भी आप आपके वेबसाइट के अंदर कोई भी एंटिटी ऐड करोगे रिलेटेड टू द वेब पेज, तो वहां पे वो वेब पेज के रिलेटेड एक क्लास क्रिएट हो जाएगा। और ये जो क्लास क्रिएट होगा दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम व्हिच नेमस्पेस, दैट इज सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई नेमस्पेस। अगेन आई रिपीट, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई नेमस्पेस, राइट? एंड हमें पता है कि अगर हम पेज क्लास का यूज करते हैं तो वहां पे हम उसके ऊपर जो भी कंट्रोल्स प्लेस करेंगे तो कंट्रोल्स के रिलेटेड भी क्लास होंगे, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इन .NET इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, राइट? तो वहां पे टेम्पलेट कंट्रोल क्लास का यूज होगा, कंट्रोल क्लास का यूज होगा, राइट? मतलब एक पेज क्लास हम यूज करते हैं तो वहां पे बाकी सारे दूसरे क्लासेस भी अपने आप इनहेरिट हो जाते हैं, बिकॉज हम वो सारी चीज हमारे पेज के ऊपर यूज करते हैं। एंड एज इट इज अ क्लास, तो ऑब्वियसली उसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल होगी, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स अवेलेबल होगी, राइट? सो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स की जो पेज क्लास के साथ अवेलेबल है, राइट? एंड आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऐसी लगेगी कि जो ऑलरेडी हमने एट द रेट पेज डायरेक्टिव के अंदर एज एन एट्रीब्यूट देखी है, राइट? ऑब्वियसली वो सेम हो सकती है, राइट? ऑलराइट, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ओवर हियर इज टाइटल प्रॉपर्टी। वहां पे हमने टाइटल एट्रीब्यूट देखा था, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी है, टाइटल प्रॉपर्टी के, जिसके अंदर हम पेज के रिलेटेड टाइटल स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो ब्राउजर के टाइटल बार में या फिर टैब के टाइटल बार में हमें दिखाई देगा, सो दैट इज टाइटल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की, जिसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं रिलेटेड टू अवर वेब पेज, एज सिंपल एज दैट, राइट? नेक्स्ट इज बीजी कलर प्रॉपर्टी, दैट इज बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ऑफ अवर वेब पेज। मतलब हमारे वेब पेज के रिलेटेड हमें कोई बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो हम बीजी कलर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये जो थ्री जो प्रॉपर्टीज है इट इज टोटली रिलेटेड टू लिंक्स। सो लिंक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम अनविजिटेड लिंक के रिलेटेड कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ए लिंक है तो एक्टिव लिंक के रिलेटेड हम कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। वी लिंक है तो विजिटेड लिंक के रिलेटेड हम कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? टेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर हम फॉर कलर हमारे पेज के रिलेटेड सेट कर सकते हैं। आईडी प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली इट इज अ सिंपल थिंग, जो भी एलिमेंट होगा, बॉडी एलिमेंट होगा, उसका आईडी हम क्या रखना चाहते हैं वो हम वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। एसआरसी एट्रीब्यूट है कि जिसके अंदर हम कोड बिहाइंड क्लास का पाथ स्पेसिफाई करेंगे ताकि हम उसे वहां से लेकर कंपाइल कर सके, राइट? उसके बाद है एनेबल सेशन स्टेट, मतलब हमें ये पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर सेशन एनेबल रखना है या फिर डिसेबल रखना है तो वो हम सेट कर सकते हैं। एनेबल व्यू स्टेट, राइट, हम हमारे ये पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर व्यू स्टेट एनेबल रखना चाहते हैं या फिर डिसेबल रखना चाहते हैं तो वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज एनेबल व्यू स्टेट मैक,
मतलब मैक एनकोडिंग का यूज करके हमें व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है ताकि वो एनक्रिप्टेड मैनर में वो वैल्यू स्टोर रहे, तो वहां पे हम ये एनेबल व्यू स्टेट मैक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट। एरर पेज प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर हम जो भी एरर है, जो भी एक्सेप्शन रेज होती है, अगर हम उस वक्त पर्टिकुलर यूजर को एक वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे हम ये एरर पेज प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। कल्चर सेट करना है तो कल्चर के रिलेटेड भी सेटिंग्स है, प्रॉपर्टी है। आपको आपको अब पता चल गया होगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि जो हमने ऑलरेडी वहां पे एट द रेट पेज एट्रीब्यूट के अंदर देखा था, ये कल्चर भी वही है। कोड पेज, राइट, अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा कोड बिहाइंड क्लास है उसका जो पेज होगा दैट इज सैंपल डॉट एएसपीएक्स डॉट वीबी, वहां पे हमने एग्जांपल में देखा वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने सोर्स कोड कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, वीबी या फिर सी शार्प, राइट। इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, ये तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि अगर हमें चेक करना है कि हमारा पेज पोस्टेड बैक है कि नहीं है तो हम ये इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैलिड प्रॉपर्टी, इट विल बी ऑल्सो आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर हमारे पेज के ऊपर सारे वैलिडेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हैं तो ट्रू मिलेगी, फॉल्स होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कोई वैलिडेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अनदर इज मास्टर पेज फाइल, राइट। हम ये पर्टिकुलर वेब पेज के साथ कौन सा मास्टर पेज अटैच करना चाहते हैं वो फाइल का नेम हम ये मास्टर पेज फाइल प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज के जो हमें पेज क्लास के साथ मिलेगी विच इज टोटली रिलेटेड टू द एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव सीन इन एट द रेट पेज डायरेक्टिव, राइट। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि क्लास है तो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दोनों होंगे, राइट। सो हम यहाँ पे अब मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट इज डेटा बाइंड मेथड, वो तो हमने ऑलरेडी बहुत बार यूज किया है, मी डॉट डेटा बाइंड। मैं आपको कहती थी कि अगर आपको डेटा कंट्रोल्स के साथ डेटा बाइंड करके पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है तो ये मेथड इज कंपल्सरी, आपको इसे कॉल करना ही पड़ेगा, दैट इज डेटा बाइंड। अगर मुझे पेज के ऊपर पर्टिकुलर कंट्रोल को फाइंड करना है तो मैं फाइंड कंट्रोल एंड पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर वो कंट्रोल का आईडी स्पेसिफाई कर सकती हूँ तो वो मुझे फाइंड करके देगा। अगर मुझे पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर इनपुट फोकस सेट करना है तो मैं ये फोकस मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट। अगर मुझे जो भी डेटा बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट है उसमें से पर्टिकुलर आइटम चाहिए तो मैं गेट डेटा आइटम मेथड का कॉल कर सकती हूँ, राइट। मुझे टाइप जाननी है कि ये जो करंट इंस्टेंस है वो कौन सी टाइप का है तो मैं वहां पे ये गेट टाइप मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट, अगर मुझे चेक करना है कि मेरे वेब पेज के ऊपर ये कंट्रोल प्रेजेंट है कि नहीं है, सिर्फ मुझे ये जानना है कि प्रेजेंट है कि नहीं है तो मैं हैज कंट्रोल मेथड का यूज कर सकती हूँ। और मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर पर्टिकुलर कंट्रोल को लोड करना है बाय यूजिंग द वर्चुअल पाथ तो मैं वहां पे ये लोड कंट्रोल मेथड का यूज कर सकती हूँ। इन शॉर्ट, बहुत सारी ऐसी मेथड्स है कि जो कंट्रोल के रिलेटेड है, डेटा बाइंड के रिलेटेड है, टाइप चेक करने के रिलेटेड है, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैप पाथ मेथड, वो तो हमने टू टाइम्स देखी है, सर्वर ऑब्जेक्ट के साथ भी और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सॉरी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी। ये मैप पाथ मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, वो हमें वर्चुअल पाथ पे से फिजिकल पाथ रिटर्न करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स के जिसके रिलेटेड हमने ये मैप पाथ मेथड को कॉल किया है, राइट। नेक्स्ट इज सेट फोकस, अगर मुझे ब्राउजर के अंदर पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर फोकस सेट करना है तो मैं सेट फोकस मेथड का यूज कर सकती हूँ। एंड द लास्ट इज वैलिडेट मेथड, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, अगर मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स मैंने प्लेस किए हैं वो सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स को या फिर पर्टिकुलर वैलिडेशन कंट्रोल को मुझे इंस्ट्रक्शन देनी है कि भैया तुझे अभी एग्जीक्यूट होना है, राइट, तो मैं ये वैलिडेट मेथड को कॉल कर सकती हूँ ताकि एक्सप्लिसिटली मेरे वेब पेज के ऊपर वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो और मुझे पता चले कि वैलिडेशन सक्सेसफुली रन हुए है कि नहीं हुए है। So students, these are the methods of page class. Again, I repeat, these are the methods of page class के जो आप आपके पेज के ऊपर different task perform करने के लिए use कर सकते हो, right? Good enough. तो हमने page class के related पहले तो description देखा,
राइट उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन मेथड्स ऑफ पेज क्लास, राइट। और आपको पता चल गया होगा कि एट द रेट पेज डायरेक्टिव एंड पेज क्लास आर टोटली सिमिलर, हम सिमिलर टास्क करने के लिए ही उन्हें यूज करेंगे, राइट। गुड इनफ।